हाउस वाइफ ऑल इन वन। और ये देखिए सभी किचन का साफ सफाई मैं कर चुकी हूँ, इधर भी देख लीजिए। आप चलते हैं रूम में। ये देखिए मेरा बिस्तर पूरा सेट हो गया है। अब मैं ये खिड़की खोल दे रही हूँ, थोड़ा सा लाइट आएगा, सारा रात बंद रहता है। ये मैं बोरोलिन लगाती हूँ सब समय, तो बोरोलिन का डब्बा यहीं पे है, फेंक दी उसे। अब बस झाड़ू लगाना बाकी है, तो रूम पूरा गंदा है तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पर उनका कपड़ा पड़ा हुआ है तो वो कपड़ा खोल दिए हैं, आज फ्रेश कपड़ा पहनेंगे, तो इनको भी लेके जाना है। इसे मैं मशीन में ही डालूंगी, अभी हाथ से नहीं धो रही हूँ मैं, कुछ दिनों से ठंड थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं मशीन में ही डाल देती हूँ इसे। फ्रेंड्स उसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा ही कफ कोल्ड हो गया है, गला भी बहुत भारी है, तो मेरा जो वॉइस ओवर है तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले दूध बैठा दी हूँ और उसके बाद धीरे धीरे अब दूध बॉयल होगा, और तब तक मैं इधर झाड़ू पोछा कर लूँगी। सबसे पहले मैं स्लैब साफ करके और गैस चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, और सुबह का तो बहुत काम होता है, तो धीरे धीरे मेरा दूध भी बॉयल होगा, सब्ज़ी बनाना होगा तो सब्ज़ी भी बना लेंगे, और इधर मेरा साफ़ सफाई का काम भी हो जाएगा। फ्रेंड्स झाड़ू पोछा तो बहुत सारा रूम है, लेकिन सब सारे रूम का मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ और सभी जग जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। सिर्फ कोई मतलब जो सेल्फ मेरा है, जैसे अपना रूम हो गया, पूजा रूम हो गया या किचन हो गया, तो मैं बस उन्हीं सब जगहों का दिखा पाती हूँ, सारे घर का नहीं दिखा पाती हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ कि वो जो मटर होता है, मटर सूटी, उसी का मैं फिलिंग ठो बना के रखी थी, तो उसी का मैं आज पराठा कर रही हूँ। कल उसका बना के रखी थी, रात में भी की और सुबह में भी कर रही हूँ। अगर इसका पुरठो रेडी अगर रहता है तो इसका हम कचौड़ी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और इसका पराठा या कचौड़ी बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है। ये सब तो ठंड का ही, ठंड में ही खाने वाला सब खाना है, चाहे मटर सूटी हो, चाहे गोभी हो, चाहे मेथी हो, तो हम लोग तो ठंड के दिनों में बहुत सारे पराठे बनाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ही पराठा बनाती हूँ, और मैं एक ही बार थोड़ा सा ज़्यादा करके बना लेती हूँ कि दो दिन तक आराम से चल जाता है, और ठंड का दिन में ख़राब भी नहीं होता है, और बहुत अच्छा लगता है इसका पराठा खाने में, और बहुत सॉफ्ट भी, सबसे अच्छा तो ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा, इसे हम लोग राधा भगवान का कहते हैं, बेसन का भी बनता है। और उसी टाइम में ये आ गए थे जल लेने के लिए, पूजा करते, यही पूजा करते सबसे पहले, तो बात भी कर रहे थे मेरे साथ में, और मैं ये दिखा रही थी कि देखिए इसे जब मैं बेलती हूँ तो इसमें से जो स्टफिंग है आराम से दिखता है कि इसमें मैं क्या स्टफिंग की हूँ, हरा हरा पूरा दिखता है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए कहीं से भी फटा नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा ही ये बनता है। और इसमें मैं तेल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का इधर तेल बहुत ज़्यादा ही हो गया है, इसे मैं बिना तेल का ही बना रही हूँ, और उससे भी ये ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ छत पे कपड़ा डालने के लिए, सभी कोई छत पे ही कपड़ा डालते हैं, अभी ठंड का दिन है, बालकनी में सूखता भी नहीं है। ये देखिए मैं इस तार पे डाल दूंगी अपना कपड़ा, आराम से सूखते रहेगा, शाम को ले जाऊंगी।
अभी नहीं। और ये देखिए, ये है मेरा समी गाछ, ये है मेरा समी गाछ। हाँ, नींबू का प्लांट भी काम करने के लिए बोले थे मुझे, शाम को आके करेंगे इसमें काम। इसमें फूल आया हुआ है, इसमें देखिए फूल आया हुआ है ना, ये नींबू का गाछ है। इसमें बोले थे मिट्टी कोड़ने के लिए, शाम को आके इसमें काम कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये रात का क्लिप है। रात को मैं खाना बना चुकी हूँ, रात मेरा खाना हो चुका है। बस मैं किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि रात में कभी भी किचन को मैं गंदा नहीं रखती हूँ और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जूठा किचन रखेंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और भी आ जाएंगे। वैसे तो आते ही हैं, नहीं भी साफ करें तो भी आते हैं, लेकिन वैसे भी वो ज़्यादा करके आएंगे। गिरगिटी आती है, कॉकरोच आता है, इसलिए मैं तो हमेशा साफ़ करके ही रखती हूँ। और सुबह में भी हल्का सा साफ़ कर देते हैं तो थोड़ा सा टाइम का बचत हो जाता है। रात में डीप क्लीनिंग और सुबह में हल्का क्लीनिंग। तो बस मेरा रूटीन तो यही है, सिंपल सा रूटीन है। और मैं मेरा जो भी होता है सो आपको, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर फ्रेंड ज़रा से भी मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और थोड़ा सा अगर और अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है, अगर आप लोगों का सपोर्ट हो जाएगा तो मेरा चैनल थोड़ा सा उठ जाएगा। और बस आज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए मेरे ऊपर, जैसे एक साल तक बनाए रखे थे कि मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है और एडसेंस भी आ गया है, तो और थोड़ी सी मेरा चैनल अगर ऊपर उठ जाएगा तो अच्छा होगा। फ्रेंड्स, मेरा गैस चूल्हा साफ़ हो गया है। इन बाटियों सब में क्या क्या है, तो इसमें है पिठा, दाल पिठा, काकी माँ दी है, ठीक है। इसमें है दूध पुली, पपीते का सब्जी, इसमें है मैं तो भूल गई, और अभी मैं गाजर का हलवा बनाई थी तो वो गाजर का हलवा है। तो आज के मेरा रात का खाना यही है। आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे वीडियो को शेष कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। तो वीडियो को मैं दोपहर में तो शूट नहीं की थी, 10 बजे रात तक सोई थी, उसके बाद उठ के मैं अभी खाना बना के पूरा किचन क्लीन की, गाजर का हलवा भी बनाई। और अभी बज रहा है 11, तो मैं अपना वीडियो को यहीं पर शेष कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटा टाइम, बाय बाय।